अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अब्दू और आप लोग देख रहे हैं रेसलिंग विद अब्दू। बिल्कुल भी ज़्यादा अपडेट्स नहीं है, चार अपडेट है वो कवर कर लेते हैं। तो पहली जो हमारी अपडेट बेसिकली है कि वो रोमन रेंज को लेकर है। तो जो ब्रे वाइट के फैंस है वो रोमन रेंज के ऊपर एंग्री है। क्यों एंग्री है? क्योंकि रोमन रेंज ने उनके ऊपर कोई भी एक भी यहाँ पर रोमन रेंज ने कोई भी एक ट्वीट नहीं किया यहाँ पर ब्रे वाइट के लिए, यानी उन्होंने कोई भी ट्रिब्यूट भी नहीं पे किया यहाँ पर रोमन रेंज ने। हम समझते हैं कि हमें समझ आता है कि रोमन रेंज नहीं है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर, क्योंकि उनका जो यहाँ पे वो वेकेशन पे रोमन रेंज वेकेशन का ये मतलब है कि वो WWE के अंदर अभी टाइम ऑफ ले रहे हैं। तो लेकिन एटलीस्ट उनको ट्विटर के अंदर लिखना चाहिए, जैसे कोई ब्रे वाइट फैंस का ये मानना है कि यहाँ पे एटलीस्ट रोमन रेंज को ना यहाँ पे ब्रे वाइट के लिए एक RIP ब्रे वाइट का कोई ट्रिब्यूट ही दे देते यहाँ पे ब्रे वाइट के लिए। लेकिन रोमन रेंज ने कोई 3 सेकंड का टाइम भी नहीं लगाया। तो अब रिसेंट टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर यहाँ पे रोमन रेंज के लिए बढ़ रहा है कि रोमन रेंज ने क्यों ब्रे वाइट को नहीं ट्रिब्यूट किया, क्योंकि ब्रे वाइट एक ऐसे जिनके खिलाफ रोमन रेंज भी लड़े थे और जिसने रोमन रेंज का ट्राइबल चीफ वाला करेक्टर था वो भी दफीन ब्रे वाइट ही लाए थे। मतलब यहाँ पे रोमन रेंज सबसे पहले अपने रिटर्न यानी कि जो अटैक किया था वो फीन के ऊपर ही किया था। तो क्यों इस तरह के रोमन रेंज ने नहीं रिएक्ट किया? देखो, इसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे ओपिनियन के बारे में बात करो तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से एटलीस्ट RIP ब्रे वाइट तो रोमन रेंज का लिखना बनता था, क्योंकि ब्रे वाइट एक ऐसे मैन जिनको डेथ होने के बाद जिस WWE देखते भी नहीं है वो भी आप कह रही हैं अदर कंपनीज भी करें, तो रोमन रेंस को भी करना चाहिए था। तो रोमन रेंस को मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, लेकिन रोमन रेंस को करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। और यहाँ पे फैंस भी बहुत ज़्यादा एंग्री हो चुके हैं रोमन रेंस के ऊपर। बात करते हैं वैसे हम तो वेल अपने अगली स्टोरी के बारे में, वो जुड़ी हुई है सेथ फ्रीकन रॉलिंस को लेके। तो सेथ फ्रीकन रॉलिंस ने भी अपना यहाँ पे रिसेंट टाइम के अंदर रिसेंट का जो लाइव इवेंट आ चुका, हमें लाइव इवेंट देखने को मिला था, उस लाइव इवेंट के अंदर यहाँ पे सेथ फ्रीकन रॉलिंस ने भी यहाँ पे ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट किया है। ऑलरेडी सेथ फ्रीकन रॉलिंस ने ट्रिब्यूट दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे किस तरीके से ट्रिब्यूट दिया, इस वक्त उनका मैच था यहाँ पे, उसके बाद सेथ फ्रीकन रॉलिंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रे वाइट के आप लोग यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं कि जो क्रॉल नहीं होता वो यहाँ पे द फेंट करते हैं या ब्रे वाइट करते हैं उस तरह यहाँ पीछे होकर क्रॉल करते हैं वो भी। उसके बाद फिर मेंडबो सिस्टर एबिगेल मारते हैं, तो सिस्टर एबिगेल भी मारी और यहाँ पर इसके बाद एक प्रोमो भी कट किया और यहाँ पर क्रॉल भी किया यहाँ पर। तो सेथ फ्रीकन रॉलिंस की तरफ से बहुत अच्छा हमें यहाँ पर देखने को मिला ट्रिब्यूट ब्रे वाइट के लिए, पहले भी देखने को मिला, उसके बाद बहुत इमोशनल प्रोमो कट करते हैं और बहुत सारे स्पॉट्स के अंदर भी यहाँ पर वो ब्रे वाइट को एक तरीके से ट्रिब्यूट पे करते हैं। अगली स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, स्टोरी नहीं बेसिकली अभी जो हो रहा है AEW ऑल इन लंदन, जिन लोगों को AEW के अंदर इंटरेस्ट है वो ज़रूर इस वक्त देख रहे होंगे। तो AEW ऑल इन इस वक्त लाइव है देखने से, देखो मैच नहीं देख रहा क्योंकि ये तो WWE से कतई अच्छा नहीं है। मर्सिडीज मून यानी जो साशा बैंक्स आपको देखने को मिल सकती हैं क्योंकि वो लंदन के अंदर मौजूद हैं। तो ये कुछ स्पॉयलर भी यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे आपको साशा बैंक्स को देखने को मिले। बाकी ऑल इन का जो शो है वो तो बहुत अच्छा है, देखने को मिलेगा शायद, लेकिन वही इतना भी अच्छा खास नहीं शो होगा मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा होने वाला। बात करते हैं वेल तो अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, स्टोरी नहीं है बेसिकली, सुपरस्टार स्पेक्टिकल का नया पोस्टर आप लोग यहाँ पे अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। बस ये इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स के अंदर जॉन सीना आ चुके हैं बीच में बस, और बाकी सराउंडिंग्स में बाकी सारे सुपरस्टार कोई चेंज नहीं है एज सच, बस जॉन सीना को यहाँ पे पोस्टर के अंदर डाल दिया गया है। बाकी इस वीडियो के लिए इतने, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, पिछले वाली जो अपडेट वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ अभी अपलोड पर हो रही है, तो वो वाली अपडेट वीडियो ज़रूर चेक करना, उसके अंदर टन टन के अपडेट्स, बहुत ज़्यादा अपडेट्स इसके अंदर तो थी नहीं, बाकी कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी थी मैंने आपको बता दी हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।